डॉक्टर कंप्यूटर उससे उसने इलाज किया जो रिपेयर हो गया। अब रिपोर्ट अभी दी, उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। अब गाय आज मर भी गई और गर्भ पड़ी, अभी 28 दिन हो गए मेरी गाय को, कोई सुनाई नहीं हो रही सरकार में। रामलाल मंत्री को दे दी, सब जगह कलेक्टर को दे दी, सबको दे दी मैंने रिपोर्ट। थाने में गए, थाने में दार मैंने को मना कर दिया, मैं आपको उल्टा ओवर मेरे को पाबंद कर, मेरे को गाली गलौज के लिए वो मेरे को केस लगा दिया और मेरे को पाबंद कर दिया। अब मैं उसको बतला भी नहीं सकता हूँ डॉक्टर को, आराम से वो के उसको पाबंद कर दिया। मेरे गाय वास जिंदगी पड़ी हुआ, कोई अधिकारी कोई कोई आया ही नहीं है जो कि भाई ये गाय कैसे है क्या है। कौन से थाने का मामला है? बिगो थाने का मामला है। 30 जनवरी के दिन, अरे एहसान मत बोल, हिंदी बोलो। 30 जनवरी को हमारी गाय बीमार हो गई, खांसी चली थी हल्की सी उसको, फिर हमारे पशु चिकित्सक को रतन लाल खट्टी को बुलाया तो उसने गाय को इंजेक्शन लिया। उसी दिन से आज दिन तक, मतलब आज 28 तारीख हो गई, उस दिन से गाय खड़ी नहीं हो पाई और आज उसकी डेट हो गई। हर जगह रिपोर्ट भी दर्ज करी और किसने उसको रतन लाल को बोला भी था हमने भाई उसका इलाज करो, तो उसने अपने उस पर जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, जिसके बीच हमारे कान सुनी भी हुई तो उसने फिर केस दर्ज कर दिया ST ST का उसके हिसाब से, तो फिर हमारे को पाबंद कर दिया। हम और उचित कार्रवाई कुछ करी नहीं इस वक्त, दूसरे संपर्क किया तो उन्होंने मना कर दिया भाई हम ये केस नहीं ले सकते, मतलब गाय का अगर कुछ भी हो गया तो हम कैसे जवाबदार रहेंगे इसके। तो हमने आगे रिपोर्ट भी दिया, हर जगह सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो आपसे निवेदन करते हैं भाई हमारे को उचित कार्रवाई करें और हमारा सहयोग करें।